हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोज गुप्ता एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्लास 9th अलजेब्रा। लेसन नंबर 7 है स्टैटिस्टिक्स, प्रैक्टिस सेट 7.4। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के पहले आप लोग बेसिक पार्ट जरूर देखिए। बेसिक पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट 7.4। कंप्लीट द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको सिर्फ टेबल फिल करना है। यहाँ पे क्या दिया गया है, लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी, मीन्स हमको लेस देन करना है। तो लेस देन में हमने क्या सीखा बेसिक पार्ट में, कि लेस देन में हम लोग को प्लस करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है, तो 150, 153, 153, 156, 156, 159, 159, 162, 162, 165, 165 to 168। उसी तरीके से उसका फ्रीक्वेंसी दिया है 5, 7, 15, 10, 5, 3। अब यहाँ पे देखो, ये 5 तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये 5 में ये 7 को प्लस कर दो, तो 7 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 12। फिर ये 15 है, तो ये 12 में 15 को प्लस किया तो आ जाएगा 27। फिर यहाँ पे 10 है, तो 27 प्लस 10 37, और 37 प्लस 5 42, और 42 प्लस 3 45। बस इसमें इतना ही करना है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कंप्लीट द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो यहाँ पे क्लास दिया गया है और यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का टोटल दिया गया है 87, और इसमें हमको क्या करना है, मोर देन और इक्वल टू टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो यहाँ पे देखो, जब भी हमारा मोर देन होता है तो मोर देन में हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 87, और यहाँ पे क्या आएगा, 87 माइनस 45। 87 में से 45 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 42 आएगा। अब यहाँ पे 42 माइनस ये वाला 19 माइनस करना है, 19 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 23 में से 16 माइनस कर दो, देखो यहाँ पे 16 है, 7, फिर 7 माइनस 2 कितना होता है, 5, देखो यहाँ पे 5 आया लास्ट में, 7 माइनस 2 5। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। द डेटा इज गिवन फॉर 62 स्टूडेंट्स। हमको ये जो डेटा दिया गया है ये 60 स्टूडेंट्स का है, इन अ सर्टेन क्लास रिगार्डिंग देयर मैथमेटिक्स मार्क्स आउट ऑफ 100। ये मतलब मैथमेटिक्स का मार्क्स दिया गया है, 100 में से कितने कितने मार्क्स लोगों ने लाया है, स्टूडेंट्स ने लाया। टेक द क्लासेस 0 to 10, 10 to 20 एंड प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल मोर देन और इक्वल टू टाइप। हमको क्या बनाना है, मोर देन टाइप बनाना। तो यहाँ पे लिखो क्लास, ये हो जाएगा टैली मार्क, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन और इक्वल टाइप। ये यहाँ पे जगह नहीं हो रही थी तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे क्लास क्या लेना है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। अब एक एक कैंसिल करते चलो, 55 कहाँ पे आएगा, इसमें आएगा, 60 यहाँ पे आएगा, 81 यहाँ आएगा, 90 यहाँ पे आएगा, 45 यहाँ पे आएगा, 65 यहाँ आएगा, 75 यहाँ पे आएगा। तो इसी तरीके से हमको पूरा का पूरा करना है। ये अभी हमने बना लिया, अब इसका फ्रीक्वेंसी ले लो 3
3, 5, 4, 9, 5, 4, 9, 10 and 3, 13, 5 and 1, 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, 5 and 3, नंबर इक्वल टू समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसका टोटल कर लो 9, 3, 62, ये आ गया हमारा 62। अब ये टोटल हो गया, अभी हमको क्या निकालना है, मोर देन और इक्वल टू निकालना है। तो मोर देन में क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं, 62 यहाँ पे आ जाएगा, 62 माइनस 3, 62 माइनस 3 कितना होगा, 59, देन 59 माइनस ये वाला 3, इसको 3 माइनस किया तो ये हो जाएगा 56, 56 माइनस ये 9, 56 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 47, 47 में से 9 माइनस करना है, 47 माइनस 9 कितना हो जाएगा 38, 38 माइनस ये 13 तो ये हो जाएगा 25, फिर ये 25 माइनस 6, 25 माइनस 6 कितना होता है 19, फिर ये 19 माइनस ये 5, 19 माइनस 5 कितना होगा 14, फिर ये 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 कितना होगा 8, फिर 8 माइनस ये वाला 5 तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पे देखो 3 आ गया। तो ये हमारा हो गया मोर देन और इक्वल टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स 40 और अबव 40, मीन्स 40 से ज्यादा। तो यहाँ पे देखो 40 से ज्यादा, तो 40 से हम लोग क्या करते हैं, मोर देन में लोअर पार्ट देखते हैं, तो मोर देन में जब ये लोअर पार्ट 40 है तो 40 वाले से 40 से ज्यादा कितना आया है, इसकी आ जाएगी 38, इसका आंसर क्या आएगा 38 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स 90 और 90 अबो, तो यहाँ पे 90 है 3, इसका आंसर हो जाएगा 3 स्टूडेंट्स। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन 60 और 60 अबव, तो 60 का देखो लोअर पार्ट में 60 कहाँ पे है, ये 60 है, तो इसका कितना आया है 19 आया है, तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर लिखेंगे 19 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, व्हाट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और इक्वल और मोर देन टाइप ऑफ क्लास 0 to 10, अब 0 to 10 का देखो, 0 to 10 में कितने हैं स्टूडेंट्स हैं 62, तो इसका आंसर आएगा 62 स्टूडेंट्स। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया, यूजिंग द डेटा इन द एग्जांपल 3 अबव प्रिपेयर लेस देन टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखो हमको जो एग्जांपल 3 का जो क्वेश्चन दिया गया था वही क्वेश्चन का हमको टेबल बनाना है, उसमें हम लोग ने मोर देन इक्वल टू बनाया था, यहाँ पे हमको लेस देन बनाना है। तो सबसे पहले उसमें क्या क्या था, क्लास था, टैली मार्क था, फ्रीक्वेंसी था, और यहाँ पे आ जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल लेस देन टाइप। तो ये जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन को जो ये हमारा जीरो, ये यहां तक हमारा सेम रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहेगी, ये जो ये पार्ट है ये पार्ट हमारा सेम का सेम रहेगा, सिर्फ ये हमारा चेंज होगा। अब हमको क्या करना है, लेस देन करना है, तो लेस देन में हम लोग क्या करते हैं, लेस देन में प्लस कर, यहाँ पे क्या आएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 3 + 3 = 6, फिर 6 + 9 = 15, फिर
15 plus 9 equal to 24. Then 24 plus 13 equal to 37. Then 37 plus 6 equal to 43. 43 plus 5 equal to 48. 48 plus 6 equal to 54. 54 plus 5 equal to 59. 59 plus 3 equal to 62. यही आ गया 62. तो यहाँ पे देखो 3, 3 में 3 प्लस किया तो 6, 6 में 9 प्लस किया 15, 15 में 9 प्लस किया 24, 24 में 13 प्लस किया 37, 37 में 6 प्लस किया 43, 43 प्लस 5 48, 48 प्लस 6 54, 54 प्लस 5 59, 59 प्लस 3 62. अब हम लोग को इसका क्वेश्चन का आंसर लिखना है. क्या दिया गया है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 40 मार्क्स. 40 मार्क्स से लेस देन, तो देखो 40 मार्क्स जब लेस देन हम लोग निकालते हैं तो अपर पार्ट का लेते हैं. तो ये 40 मार्क्स का जो है, 40 मार्क्स का कितना आया है 24. तो ये हमारा आंसर बनेगा 24 स्टूडेंट्स. फिर क्या पूछा है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 10 मार्क्स. लेस देन 10 मार्क्स कहाँ पे आएगा? तो अपर पार्ट में देखो 10 है, इसमें कितना आया है 3 आया है, मीन्स 3 स्टूडेंट्स. यहाँ पे आ जाएगा 3 स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 60 मार्क्स. 60 मार्क्स कहाँ पे है? 60, ये अपर पार्ट देखो 60, 60 से लेस देन कितने आए हैं 43. यहाँ पे लिखोगे 43 स्टूडेंट्स. अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है? फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 50 टू 60. अब 50 टू 60 कहाँ पे है? 50 टू 60 यहाँ पे है. 50 टू 60 का कितना आया है 43 स्टूडेंट्स. यहाँ पे आ जाएगा 43 स्टूडेंट्स. हमको यहाँ पे सिर्फ यही ध्यान देना है कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप होता है उसमें हम लोग प्लस करेंगे, और जो मोर देन होगा उसमें माइनस करेंगे. सो आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 7.4 खत्म हुआ.